आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, फेक इनवॉइस को लेकर जो सर्कुलर आया है उसे लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डाउट्स है, बहुत ज़्यादा लोग इसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बताऊंगा इस सर्कुलर के जरिए। अगर आपका कोई भी क्लाइंट फेक इनवॉइसेस के केस में है, अगर आपको कोई भी नोटिस फेक इनवॉइसेस के केस में आया है, तो ये सर्कुलर आपको समझना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर में क्या लिखा है। बात कर रहे हैं सर्कुलर नंबर 171 की, जो 6 जुलाई को आया। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास मैसेज आए कि सर इसमें ना क्लियरिटी और चाहिए। तो आज इस सर्कुलर में पूरी क्लियरिटी देंगे, इस वीडियो में सिर्फ इसी सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर कहता क्या है कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने फेक इनवॉइस का काम करा तो उस पर पेनल्टी कैसे लगेगी हम ये बताएंगे। लेकिन सर्कुलर ये नहीं बताता कि ये कैसे प्रूव होगा कि ये फेक इनवॉइस का काम है, ये जेन्युइन इनवॉइस नहीं है, फेक इनवॉइस है। तो पहली बात, सर्कुलर अपने आप में ये इनकम्प्लीट है, इन्हें बताना चाहिए कि किस केसेस में इसे फेक इनवॉइस बोला जाएगा। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि चलो ये प्रूव हो गया कि ये वाले जो सप्लाई है ये फेक इनवॉइस की है। तो अब यहां पर हुआ क्या है, कई लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है सेक्शन 122 में, सेक्शन 122 जबकि क्लियर है लेकिन फिर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, इन्होंने तीन केस बनाए हैं। हम पहले केस को पढ़ते हैं। पहला केस कहता है कि अगर ए ने बी को सप्लाई करा, बोकस बिलिंग करी, अगर बोकस बिलिंग होती है मतलब कि वहां पर सप्लाई नहीं होता, सिर्फ क्या होता है बिल ट्रेडिंग होती है, खाली फेक इनवॉइस दिए जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि अगर ए ने बी को बोकस बिलिंग करी तो अपराधी सबसे बड़ा कौन, ए या बी? बट ऑब्वियस है कि दोनों ही अपराधी है, लेकिन ए भी एक बड़ा अपराधी है अगर इसने बोकस बिलिंग करी है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है कि इसने आईटीसी क्लेम नहीं करा, ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर सेक्शन 74 नहीं लगाएंगे। अरे मत लगाओ इसके ऊपर सेक्शन 74, क्योंकि इसने आईटीसी क्लेम नहीं करा। लेकिन डिपार्टमेंट यह भी कहता है कि हम इसके ऊपर टैक्स इवेड भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसने टैक्स की चोरी नहीं करी। लेकिन इसे पनिशमेंट दिया तो दिया कैसे जाए? तो अगर हम सेक्शन 122 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 122 को ध्यान से पढ़ना और आप मुझे बताना कि क्या इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी या नहीं और कितने अमाउंट की लगेगी। पहली बात, इसने क्राइम क्या करा है, इस क्राइम को समझो। इसने क्राइम क्या करा है, इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन। क्या इसने वॉयलेशन करा या नहीं करा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। हाँ जी सर, इसने वॉयलेशन करा, इसने इनवॉइस इशू कर दिए, बिल इशू कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करा। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगनी चाहिए, तो क्या लिखा हुआ है, ही शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी। अब यहां पर अमाउंट को लेकर कंफ्यूजन हो गई कि सर इसमें कितने अमाउंट पर पेनल्टी लगाएंगे। अब यहां पर इस बात को आपको समझना होगा, जब हम सेक्शन 122 की बात करते हैं तो इसे ना पूरे सेक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो पूरे सेक्शन में क्या लिखा हुआ है इसे ध्यान से समझिएगा। चाहे इसने टैक्स इवेड करा हो या ना करा हो, लेकिन अगर इसने क्रेडिट पास ऑन कर दिया, मैं आपको दिखा रहा हूं 122 की लैंग्वेज, अगर इसने क्रेडिट पास ऑन कर दिया तब भी इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप यहां पर यह नहीं कह सकते कि इस पर 10-10 हजार की पेनल्टी लगेगी। 10-10 हजार रुपए तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, इससे ज्यादा पेनल्टी तो जनरल पेनल्टी है जो सेक्शन 125 में लगती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें 10-10 हजार की पेनल्टी लगेगी? मेरा व्यू डिफर है यहां पर, मैं यहां पर बिल्कुल डिफर हूं। आप मुझे बताना क्या इस पर 20 हजार की पेनल्टी लगनी चाहिए, या अगर इसने 1 करोड़ के बिल इशू कर दिए उसमें जितना टैक्स इन्वॉल्व था उसकी पेनल्टी लगनी चाहिए? आप मुझे ये चीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। लेकिन इसे लिखने से पहले आप इसकी एक बार लैंग्वेज पढ़ लो कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, सेक्शन 122 की लैंग्वेज क्या दिखाता है। सेक्शन 122 में क्लियरली लिखा हुआ है, यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्शन 122 की क्लोज 2 के अंदर जो पेनल्टी लगनी है क्या लिखा है, ही शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड और टैक्स नॉट डिडक्टेड। अब आप कहोगे सर इसने तो टैक्स इवेड करा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसे लिखा है कि बट नॉट पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और पास्ड ऑन। क्या लिखा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और पास्ड ऑन। इसने अवेल्ड नहीं करा लेकिन इसने पास्ड ऑन तो करा है।
तो क्या इसके ऊपर इसके अंदर पेनल्टी लगनी चाहिए या ये 10,000 वाली लगनी चाहिए, आप मुझे लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में। लिखा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना, अवेल्ड ऑफ और पास्ड ऑन और डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली और रिफंड क्लेम्ड फ्रॉडली विच एवर इज हायर। तो यहां पर हम देखेंगे 10,000 और यहां पर देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट पास्ड ऑन विच एवर इज हायर। तो मेरा मानना ऐसा है इसमें अगर इसने 1 करोड़ का सप्लाई करा और उस पर 18 लाख का इनपुट पास ऑन कर दिया तो इस वाले केस में उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी जो लगेगी 18 लाख लगेगी, ना कि 10,000 रुपए लगेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब दूसरा केस क्या कहता है, यहां पर ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ए पर पेनल्टी सेक्शन 122 में 18 लाख लगेगी ना कि 10,000, ठीक है ना। और बी पर पेनल्टी क्या लगेगी, क्योंकि बी ने ITC लिया हुआ है तो उस पर सेक्शन 74 के अंदर कार्रवाई होगी और किसी सेक्शन में कार्रवाई नहीं होगी, इंटरेस्ट पेनल्टी वहां लेंगे। लेकिन जो इनका तीसरा केस है, मैं दूसरे केस पर आऊंगा, तीसरा केस क्या कहता है, ए ने बी को बिल दिए और बी ने सेम बिल सी को दिए, तो ना तो ए ने सप्लाई करा कुछ ना बी ने सप्लाई करा। जब इन दोनों लोगों ने एक्चुअल सप्लाई नहीं करा तो हम इनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन इनके ऊपर भी पेनल्टी कौन से केस में लगेगी, सेक्शन 122 में। अब ये जो सेक्शन 122 में जहां पर पेनल्टी लगा रहे हैं, ए के केस में किसमें लगा रहे हैं कि भाई 122, ठीक है, क्लोज वन का सेकंड, सब सेक्शन वन के सेकंड क्लोज में पेनल्टी कितनी लग गई, जितना इन्होंने ITC पास ऑन करा। अब बी के केस में बी ने तो दो क्राइम करे, एक तो ITC पास ऑन करा है, सेम सेक्शन में पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन बी ने एक काम और करा है। बी ने क्या करा है कि बी ने ITC लिया भी है। अब जब बी ITC लेता है तो सेक्शन 122 की, ठीक है ना, सब सेक्शन 1 की जो क्लोज 7 है वो भी हिट हो जाती है। वो हिट होकर क्या कहती है कि भाई आपने ITC भी लिया है, जबकि आपने जो ITC लिया है ये बोकस है। अब जब ये ITC आपने बोकस लिया है तो हम क्यों ना आपको क्लोज 7 के अंदर पेनल्टी लगाए। अब क्वेश्चन ये है, क्लोज 7 क्या कहती है इसे भी पढ़ लो। क्लोज 7 ये कहती है, ठीक है ना, कि अगर आपने टैक्स और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आइदर फुल्ली और पार्शली इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इसने बी ने ये वाला क्राइम करा या नहीं करा, हाँ सर इसने बी ने ये वाला क्राइम भी करा, तो बी पर हमने लगा दी डबल पेनल्टी। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि बी पर डबल पेनल्टी हम लगा रहे हैं इस वाले केस में, ठीक है, क्लोज 7 में भी पेनल्टी लगा रहे हैं और क्लोज 2 में भी लगा रहे हैं। एक किस लिए लगा रहे हैं, इनवॉइस इशू करने के लिए, और एक किस लिए लगा रहे हैं, ITC यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। अब दोनों ही पेनल्टी में क्या होगा, ITC जितना इसने अवेल्ड करा जितना पास ऑन करा। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि इस सी एग्जाम्पल में, थर्ड एग्जाम्पल में डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि बी ने कोई ITC अवेल्ड ही नहीं करा। अरे भाई जब बी ने अपनी 3B फाइल करी है और ये ITC पास ऑन करा है तो बी ने ITC अवेल्ड क्यों नहीं करा, बी ने तो ITC अवेल्ड करा है। लेकिन जहां तक मैं इनकी बात को समझा हूं, इनका कहने का मतलब है कि जब बी की सप्लाई ही बोकस हो गई, बी की सप्लाई ही जब बोकस हो गई, बी ने सप्लाई कुछ करा ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ बिल दिए हैं, तो इसकी लायबिलिटी नील है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसने भी ITC क्लेम नहीं करा, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि बी में सेक्शन 74 की कार्रवाई होनी चाहिए। 74 की कार्रवाई क्यों ना हो बी के अगेंस्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस थर्ड वाले केस में चाहे इसने बिल ट्रेडिंग कराए लेकिन फिर भी इसने ITC तो अवेल्ड करा है, तो सेक्शन 74 तो यहां पर हिट हो जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना यह है क्योंकि ये सिर्फ बोकस बिलिंग के केस में इन्वॉल्व थे तो हम ए और बी पर पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है, हम इसमें सेक्शन 74 की कार्रवाई नहीं करेंगे। अब अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल को लेता हूं तो दूसरे एग्जाम्पल ने ए ने बी को बिल दिए और बी ने सी को बिल नहीं दिए। बी ने क्या करा है, बी की एक्चुअल लायबिलिटी थी। बी सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल में यही डिफरेंस है कि सेकंड एग्जाम्पल में बी की एक्चुअल लायबिलिटी थी लेकिन ITC बोकस था, तब आपने बी के ऊपर सेक्शन 74 की कार्रवाई करी, सेक्शन 122 की कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि एक बार सेक्शन 74 लग जाता है तो 122 नहीं लगता है, ठीक है। सी तो क्लीन चिट था यहां पर, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन जब आपका थर्ड एग्जाम्पल आया तो बी ने सेम काम करा था,
बी ने बोकस आईटीसी लिया था, लेकिन आपने सेक्शन 74 ना लगाकर सिर्फ 122 लगाया। क्यों? क्योंकि यहां पर बी की जो सप्लाई थी सी को, ठीक है ना, वो भी बोकस थी। तो इन दोनों एग्जाम्पल में अंतर समझना, दोनों एग्जाम्पल में अंतर सिर्फ इतना है कि सेकंड वाले एग्जाम्पल में बी की सप्लाई जेन्युइन थी तो सेक्शन 74 लगा, और थर्ड वाले एग्जाम्पल में बी की जो सप्लाई थी वो भी बोकस थी तो वहां पर सेक्शन 74 ना लगकर सेक्शन 122 लगा। तो यहां पर 74 क्यों नहीं लगा, ये आप मुझे बताओ, यहां पर 122 क्यों लगा रहे हैं दो बार? तो मेरा मानना यह है कि थर्ड वाले एग्जाम्पल में बी के ऊपर सेक्शन 74 लगना चाहिए और सेक्शन 122 लगना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि अगर एक बार सेक्शन 74 लगा दिया तो फिर तो किसी सेक्शन में कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन डिपार्टमेंट यहां पर बी से डबल बार पेनल्टी लेना चाहता है, इसलिए ये दो सेक्शन में पेनल्टी लगा रहा है। एक सेक्शन में पेनल्टी किस लिए कि भाई आपने आईटीसी लिया, और एक सेक्शन में पेनल्टी इसलिए कि आपने आईटीसी पास ऑन करा, इसलिए सेक्शन 74 में यहां पर ये कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन जब भी 122 के अंदर पेनल्टी लगेगी तो इस बात को आपको समझना है कि 122 के अंदर पेनल्टी 10-10 हजार नहीं लगेगी मेरे व्यू से। वहां पर अगर आपने आईटीसी पास ऑन करा है तो आपका जो अमाउंट इन्वॉल्व है टैक्स का, उतनी पेनल्टी वहां पर लगेगी। आपका क्या विचार है इस सर्कुलर को लेकर, आप हमें जरूर बताना। हालांकि जो हमारी मैगजीन आएगी, हम उस मैगजीन के अंदर ये विद एग्जाम्पल आपको कवर अप करेंगे। तो अगर आपका जो भी विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, आपको हमारी मैगजीन कैसे लगती है वो हमें बताओ। और हाँ, आप सब लोग मुझसे कहते थे कि आपकी क्लासेस बहुत महंगी है, तो इस बार ये बम्पर ऑफर आपके लिए आया है। हमने क्या करा है, सी ए आईपीसी लेवल के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलर बैच, ठीक है ना। 70 घंटे का कोर्स होगा और इसमें सिर्फ ये ही टॉपिक होंगे। सर क्या इसमें प्रैक्टिकल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरा का पूरा आईपीसीसी का, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। इस वाले कोर्स को आप पढ़ो और आप अपना एग्जाम क्लियर कर लो जीएसटी का। 70 घंटे का कोर्स होगा, सारा टॉपिक वाइज होगा, आईसीआईसी के मटेरियल को कवर करने की पूरी कोशिश होगी 100%। और इसकी जो गूगल ड्राइव की फीस है वो मात्र 2999 है। सर कब से बैच स्टार्ट हो रहा है? ये भाई 2 अगस्त को पहली क्लास है। कैसे सर होगी ये क्लास? ये शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम है, ठीक है ना। हम इस क्लास को करेंगे ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन करेंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास देने की जरूरत पड़ गई तो हम उसमें एक्स्ट्रा क्लास भी आप लोगों को दे देंगे। लेकिन आपके एग्जाम से कम 1 महीना पहले इस बैच को खत्म कर देंगे, जिससे कि आप जैसे ही ये कोर्स पढ़ो, एग्जाम दो और आप एकदम पास हो जाओ। तो अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। सर क्या हम भी इस कोर्स को ले सकते हैं, अकाउंटेंट प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं भाई, तुम इस कोर्स को नहीं ले सकते। इस कोर्स को कौन ले सकता है? जो आईपीसीसी का स्टूडेंट है वो अपना हमारे को एनआरओ नंबर नोट कराएगा, अपना अटेम्प्ट बताएगा कि कौन से अटेम्प्ट में उसकी क्लास है, तभी उसे इस प्राइस पर ये क्लासेस मिलेगी। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बैच होने वाला है। आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, ये जो हम नई शुरुआत कर रहे हैं आईपीसीसी के लिए, क्या ये सही है या नहीं, क्या इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना, और मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब आपने चैनल को कर ही दिया, अगर फिर भी नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दो। 2 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, उसे जल्दी से कंप्लीट करा दो। आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी वीडियोस को आप देखते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।